आज की वीडियो में लेके आया हूँ मनमीत कौर जी का इंटरव्यू, जो कि एक परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी कोच हैं एंड फ्रीलांसर भी हैं, और ये सिखाती हैं बिजनेस पर्सन्स को कि हाउ टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी एंड हाउ टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, ताकि वो अपने बिजनेस में अच्छी डिसीजंस ले सकें, अच्छी ग्रोथ कर सकें, उनका बिजनेस वगैरह अच्छे से चले। क्योंकि अगर आप अच्छे हैं तो आप अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छे से डिसीजन वगैरह आप बना सकते हैं। तो ये स्पेशल इंटरव्यू है, और एनीवन जो भी फ्रीलांसर हैं या जो भी स्किल जानते हैं बट अब वो एक कोचिंग इंडस्ट्री में एज अ कोच अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, एज अ कोच बनना चाहते हैं। तो चलो इंटरव्यू को शुरू करते हैं, लेट्स गो। हाय मनमीत जी, हाउ आर यू? I'm good. Please call me only Manmeet, that works. Okay. Because you know, मतलब मैं Western clients के साथ काम करता हूँ तो हम normal as a first name call करते हैं। तो ऐसा हुआ था मेरे साथ कि कोई इंडियन क्लाइंट मिला था तो मैं फर्स्ट नेम बोल रहा था, बोल रहे थे इंडिया में जी लगाते हैं। So please call me Manmeet. Yeah. That's why मतलब अब मैं जब भी किसी इंडियन से, अपने से बड़े से बात करता हूँ तो लास्ट में जी लगाना। नहीं, you can call me Manmeet. Okay. So, मेरा पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि अपने वर्ड्स में बताएं कि who are you and what you do, basically. Okay. So before I tell you what I do and who I am, मेरी छोटी सी स्टोरी है जो कि because मेरी जर्नी बहुत डिफरेंट रही है। I was a Japanese linguistic. मैंने IBM जैसे कॉर्पोरेट्स में काम किया है। 3 साल मैंने जापानीज पढ़ी है, और उसके बाद कोविड आया, आई गॉट मैरिड, आई ऑलवेज वांटेड टू डू माय ओन बिजनेस, तो मैंने मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट की, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, आफ्टर लीविंग माय जॉब। देन आई नीश्ड इट डाउन टू ओनली वेब एजेंसी, वर्डप्रेस एजेंसी, बट कुछ चैलेंजेस थे उसमें, सो आई नीश्ड इट डाउन टू अगेन just website design and marketing agency, and wahan pe when I wasn't there till this time I was self-employed, because there is a very slight line between self-employed and business owner. तो अभी तक मैं सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड थी। तो यहाँ पे जब मेरी टीम थी, मैंने टीम को कोच करना शुरू किया, मेंटर करना शुरू किया, उनको हेल्प करना शुरू किया कि वो और कैसे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। एंड आई रियलाइज्ड मेरा कोर स्किल शायद वेबसाइट डिजाइन या एड्स रन करना नहीं है, देयर आर अदर पीपल हु कैन डू दैट बेटर विद मी। मेरा कोर स्किल है टू हेल्प पीपल टू अचीव देयर परफॉर्मेंस। वहां से मुझे वो चीज रियलाइज हुई, मैंने अपनी एजेंसी, अपने टीम मेंबर्स को एज पार्टनरशिप दी। Now I help them as a coach and a mentor, and I work as a high performance coach. मैं सभी individuals के साथ काम करती हूँ जो अपने goals achieve करना चाहते हैं, थोड़ी और productivity चाहते हैं, and they want to achieve their goals sooner in life. So that's what I do. Okay, so मतलब basically performance and productivity coach, right? Yes. जैसे हर कोई अपनी niche carve करता है, so I only shared that so that I can tell people that where I come from and what my journey is. So like in performance coaching, like क्या चीजें हैं जो matter करती है और जिसमें आप लोगों को सिखाते हैं कि कैसे improve कर सकते हैं? बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, starting with कि आपकी daily habits क्या हैं, आप अपना schedule कैसे maintain कर रहे हो, आप अपनी planning कैसे कर रहे हो, आप organize कैसे हो, आप अपने clients की management कैसे कर रहे हो, अपनी team के साथ work कैसे कर रहे हो। So basically I think in 2 words it is habit management and planning. So ये 2 चीजें बहुत important हैं, और इसको अगर हम in detail में जाएं तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें निकल के आती हैं कि हमको realize भी नहीं होता, अरे इस पे भी काम करना था। So that is where I help you reflect कि अच्छा ये चीज है, I help you to understand कि ये चीज पे आपको ध्यान देना है। Okay, so ये चीज जो है ये business people के लिए है या ordinary job people के लिए भी है? मतलब किस niche के लोगों के लिए है, मतलब जो आप coaching देते हो किस तरह के लोगों के लिए होती है? High performance is basically for everyone, but I would say मैं ज़्यादा अच्छे से काम कर सकती हूँ with businessmen and entrepreneurs, क्योंकि I know their journey now, और हमेशा कहते हैं कि जो path आप walk कर चुके हो उसी में आप best advice दे सकते हो। तो I work with entrepreneurs and business owners. Okay. So ये एक तरीके से मैं consider कर सकता हूँ कि ये freelancing ही हुई या फिर मतलब क्या, मतलब freelancing या business, क्या कहेंगे हम इस चीज को? ये फ्रीलांसिंग ही है, बिकॉज लंबे टाइम से ऑफकोर्स मैं बिजनेस कर रही थी, एंड हमेशा होता है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा प्राइमरी गोल होता है दैट वी वांट टू अर्न मनी। जॉब भी इसीलिए करते हैं क्योंकि पैसे कमाने होते हैं। तो मैंने स्किल सीखा, पैसे कमाने शुरू किए, बट डाउन द लाइन आई अंडरस्टूड कि दिस इज नॉट माय पैशन, और मैं अभी तो कमा लूंगी, शायद 40 साल बाद ना अच्छे से कमा पाऊं बिकॉज माई एनर्जी विल गो डाउन. सो नाउ आई एम अ फ्रीलांसर एंड आई वर्क एज अ हाई परफॉर्मेंस कोच. ओके ओके, आपको इस चीज में मतलब कितना टाइम हो गया है इस चीज में, कोचिंग में? और मतलब ये तो आपने वैसे बता दिया कि आप कोचिंग में कैसे आए, बट कितना टाइम हो गया और उसके लिए आपको मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा या फिर कैसे सीखा? हाँ, अगर मैं कोचिंग इंडस्ट्री की बात करूँ तो मैं कोचिंग इंडस्ट्री में पिछले 3 साल से हूँ. The time I started my journey, मैं अलग अलग चीजें सिखा रही थी. कभी मैं वेबसाइट डिजाइनिंग सिखा रही थी, कभी मैं I was teaching business की बिजनेस कैसे ग्रो किया जाए. तो कोचिंग इंडस्ट्री में मैं 3 साल से हूँ. अगर हम पर्टिकुलरली हाई परफॉर्मेंस की बात करें, सो दिस आई एम डूइंग फॉर द पास्ट 6 months. और सबसे फर्स्ट मैंने शुरू किया मेरी ही एजेंसी से. मैंने अपने टीम मेंबर्स पे जो भी मेरे पास नॉलेज थी, करिकुलम था, वो उनके साथ अडॉप्ट किया एंड देन आई हेल्प अदर पीपल. और अगर ये पूछें कि मैंने हाई परफॉर्मेंस कहाँ से सीखा, तो वो एक सेल्फ लर्न स्किल है जो बुक्स से आया है, वीडियो से आया है. और कोच बनना मैंने सौरभ जैन से सीखा है. आई हैव डन हिज कोर्स ऑफ बिकमिंग अ कोच इन द डिजिटल इकोनॉमी. ओके, वाओ वाओ, ग्रेट. सो लाइक तो कोचिंग की बात रही, तो ये कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? मतलब क्योंकि मैं इस चैनल पे ज्यादातर फ्रीलांसर्स के लिए कंटेंट बनाता हूँ, तो फ्रीलांसर इन लाइक डिजिटल स्किल, लाइक वेब डिजाइन हो गया, कॉपी राइटिंग, सोशल मीडिया. तो अगर जैसे किसी को कोच बनना है या किसी को मतलब कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता, तो इजी टर्म में क्या है, और कोई भी अगर कोच बनना चाहे तो वो कैसे बन सकता है? मतलब और कोचिंग एज ए फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या इसका कोई और राउट है आपके हिसाब से? बिल्कुल, कोचिंग एज अ फ्रीलांसिंग कर सकते हैं. अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैं जो अभी कोचिंग कर रही हूँ हाई परफॉर्मेंस, दैट इज फ्रीलांसिंग. फ्रीलांसर इन जनरल मींस कि अगर आप कोई भी एडवाइस, सर्विस, नॉलेज, सर्विस सेल करना चाहते हो, तो एज अ कोच अगर आपके पास कोई भी नॉलेज है, कोई भी स्किल है जो आप सेल कर सकते हो, तो आप एक कोच बन सकते हो. एंड आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि ये वाला सर्टिफिकेशन अगर मेरे पास होगा तो ही मैं इस चीज में कोचिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. उसके लिए सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है. एंड कोच बनने के लिए आई थिंक द मोस्ट इजी रिक्वायरमेंट टुडे इज प्रॉबली 1-page वेबसाइट, वो भी सेकेंडरी है. सोशल मीडिया पे एक प्लेटफॉर्म बनाना इज फ्री ऑफ कॉस्ट, हम सब बना सकते हैं. अगर आप अपना वैल्यू ड्रिवन कंटेंट अपनी ऑडियंस से शेयर कर सकते हो और आगे जाके उसको सेल कर सकते हो, देन यू कैन बिकम अ कोच. ओके ओके, सो ठीक है, कोच तो समझ आ गया कैसे बन सकते हैं. सो मतलब कोचिंग इंडस्ट्री का कुछ मतलब इनकम इनसाइट क्या है? मतलब एक कोच कितना इनकम कर सकता है पर क्लाइंट? किस किस तरह के कोच होते हैं? कुछ इस बारे में आप अगर बता सके तो अच्छा रहेगा. कोचिंग इंडस्ट्री का जो अर्निंग कैपेसिटी है वो कम्प्लीटली इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है. और मैं ये जरूर कहूंगी कि जब कोई स्टार्ट करेगा एकदम स्टार्टिंग में, तो थोड़ी सी हेजिटेशन होगी कि मैं ये चार्ज कैसे करूँ, मैं इतने पैसे कैसे चार्ज करूं. तो वो एक स्किल होता है जो कॉन्फिडेंस के साथ आता है. बट देन आई थिंक द प्राइस इज इक्वली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू यू आर गिविंग. अगर आप उनको तो और मैंने आपकी वीडियोस में भी देखा है, आप हमेशा ये शेयर करते हो कि प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू यू गिव. तो आज अगर मैं उनको इतनी वैल्यू दे सकती हूँ कि उनका बिजनेस ग्रो करेगा, तो मैं उनसे 1 घंटे के $1000 भी चार्ज कर सकती हूँ और मैं पूरे महीने के $100 भी चार्ज कर सकती हूँ. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि मेरे स्किल पे कॉन्फिडेंस कितना और मेरी कैपेसिटी कितनी है. अगर आप वैल्यू दे सकते हो, ROI आ सकता है, देन आई डोंट थिंक चार्जिंग अ प्राइस हैज अ कैप. ओके, सो लाइक तो अगर कोई मान लो फ्रीलांसर है, लेट्स से सोशल मीडिया मैनेजर है, और उसे वो क्या कोचिंग में आ सकता है? अगर एज ए मतलब जैसे उसके पास स्किल है, अभी तक वो स्किल सेल कर रहा था, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, कल को लेट्स से उसे कोच बनना है, तो वो क्या कोच बन सकता है? और अगर बन सकता है तो कैसे बन सकता है? बिल्कुल, आई थिंक किसी भी स्किल का सेकंड स्टेप होता है कोच बनना, क्योंकि आप लाइफ लॉन्ग वो काम खुद नहीं कर सकते. अगर आप खुद करते चले जाओगे तो योर टाइम विल बी इक्वली प्रोपोर्शनल टू मनी. जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा. तो स्केलिंग अप का जो सेकंड स्टेप होता है वो होता ही कोचिंग है. तो अगर कोई सोशल मीडिया कोच है जो अभी तक सर्विसेज कर रहा है, लेट्स से इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट कर रहा है या एड्स रन कर रहा है, आपका सेकंड स्टेप ये हो सकता है कि अब आप बिजनेस ओनर्स को जो शायद बहुत ज्यादा पैसे नहीं स्पेंड करना चाहते, सीखना चाहते हैं, खुद करना चाहते हैं, आप उनको कॉन्टेक्ट करके स्टेप बाय स्टेप बता सकते हो कि इंस्टाग्राम का एसईओ कैसे होता है, देन आपको कंटेंट कैसे क्रिएट करना चाहिए, आप कैनवा एज अ टूल कैसे यूज कर सकते हो, फेसबुक एड्स अगर रन करनी है तो व्हाट आर द राइट मेथड्स कि फेसबुक एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट ना हो, क्रिएटिव कौन सा यूज करना चाहिए। तो जो भी आज तक एंड द बेस्ट विल बी दैट आपने इतने सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया है तो आपके पास एग्जाम्पल्स होंगे, आप एग्जाम्पल शेयर करोगे तो उनका ट्रस्ट इन यू एज अ कोच और बढ़ेगा। तो आई थिंक the best case scenario is becoming coach, क्योंकि स्केल अप करना मतलब ही कोचिंग होता है, नहीं तो आप जितना टाइम दोगे उतना आप कमाते रहोगे। So, जैसे मुझे मतलब पता है इस चीज का क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है, बट मैं जो व्यूअर्स हैं उनके लिए पूछ रहा हूँ। सो लाइक देयर इज अ कोच एज वेल, देयर इज अ कंसल्टेंट एज वेल, एंड देन देयर इज अ कोर्स एज वेल, लाइक कोर्स क्रिएटर। तो ऑल दीज थिंग्स हैव लाइक थिन लाइन बिटवीन देम। तो जैसे कोई मान लो वही है कि हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की, तो अगर कल को लेट्स से उन्हें खुद काम नहीं करना या पसंद नहीं आया काम करना, बोर हो चुके हैं काम कर करके, देन उनके पास ये ऑप्शन है कि या तो वो दूसरों को सिखा सकते हैं एज ए कोच बन के, स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करते हैं, कैसे इसमें क्लाइंट्स लाते हैं, जॉब कैसे करते हैं, एज ए कोच बन के कोर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन आई थिंक कंसल्टेंट बन के वो बिजनेसेस के साथ काम कर सकते हैं कि हाँ उनकी स्ट्रेटजीज वगैरह इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं, उनकी टीम्स को इम्प्रूव करने में कि टीम को क्या करना चाहिए, सब चीजें। बिल्कुल बिल्कुल सही है, मतलब अच्छी चीज है कि हाँ हम मतलब अपनी नॉलेज शेयर करके उसके हम पैसे कमा सकते हैं। देन दैट्स वेरी मच, मतलब उसमें टाइम कम जाएगा आपका और उसमें स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि मतलब आप पर सेशन के 5,000 10,000 चार्ज कर रहे हैं और बिजनेसेस को बता रहे हैं, जस्ट खुद मैन्युअल काम नहीं करना, आपको उनको ऑप्टिमाइज करके उनका बिजनेस ठीक करना। ओके, सो ये क्वेश्चन सबका होता है हमेशा से कि आप आपको अपना जब भी आप मतलब फ्रीलांस बिजनेस शुरू करते हैं या कुछ भी ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको आपका पहला क्लाइंट कैसे मिला? मेरी स्टोरी बहुत ही यूनिक है और मैं ये एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगी, नो मैटर व्हाट बिजनेस आई हैव डन द लास्ट 3 years, मैंने कभी एड्स पर रिलाई नहीं किया है और मैंने कभी फेसबुक ग्रुप्स यूज नहीं किए हैं। जैसे कोई पोस्ट आता है तो उसके नीचे हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन छोड़ देते हैं, आउटबाउंड बेसिकली अगर मैं कहूँ इन अ वे, वो भी मैंने कभी नहीं किया है। ये 3 साल में मेरे को जितने क्लाइंट्स मिले हैं ऑल ऑफ देम हैव बीन थ्रू नेटवर्किंग एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टू से कि मेरे सारे क्लाइंट्स या तो नेटवर्किंग के थ्रू आए हैं या उनके रेफरेंसेस के थ्रू आए हैं। एंड जैसे आपने पूछा माय फर्स्ट क्लाइंट, एंड मैं हमेशा जब ये शेयर करती हूँ तो लोगों को विश्वास नहीं होता है, बट आई एक्चुअली गॉट माय फर्स्ट क्लाइंट फ्रॉम दुबई थ्रू अ व्हाट्सएप स्टोरी, क्योंकि because I am a person कि मैं जो भी कर रही हूँ ना मैं कहीं ना कहीं डालती रहती हूँ, because मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है WhatsApp पे जो लोग हैं वो मेरे रिश्तेदार हैं या फ्रेंड्स हैं, शायद मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे मेरी स्टोरी देख के, बट जैसे ईमेल मार्केटिंग का काम होता है कि वो एक इम्प्रेशन क्रिएट करता है आपके दिमाग में, तो चाहे मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालूं चाहे व्हाट्सएप पे, सब लोग देख रहे हैं और मेरे व्हाट्सएप के कॉन्टेक्ट कहीं ज्यादा है। इंस्टाग्राम पे हो सकता है 300 लोग फॉलो कर रहे हो, पर वही 300 कॉन्टैक्ट्स ऑन व्हाट्सएप इज अ गोल्ड माइन, क्योंकि वो 300 कॉन्टैक्ट्स कहीं ना कहीं मुझे जानते हैं। तो मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि आपकी कंट्री में, आपकी स्टेट में, जहाँ पे भी आप हो, जो भी प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा चलता है, अगर आप अपनी जर्नी शुरू कर रहे हो तो बी वोकल, यू आर योर बिगेस्ट आई थिंक प्रमोटर। कोई और आपके लिए आके नहीं बोलेगा कि इसको बिजनेस दे दो, आपको बोलना पड़ेगा कि मैं बिजनेस करता हूँ या करती हूँ या फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ तो मुझे बिजनेस दो। तो मेरी एक आदत थी शुरू से, मेरा पहला क्लाइंट व्हाट्सएप स्टोरी से आया था और मेरी शुरू से और आज भी आदत है, मैं कहीं भी जाऊँ, फैमिली गैदरिंग हो, कोई बाहर गैदरिंग हो, कोई पार्टी हो, मैं कभी हिचकिचाती नहीं हूँ ये शेयर करने से, या मैं कभी नहीं हिचकिचाती हूँ शेयर करने से कि मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ और मैं क्या बिजनेस कर रही हूँ। आई कैन सेल इट टू एनीवन। और हमेशा ये ध्यान रखो कि पर्सनल और प्रोफेशनल अलग रखो। आपके मामा, चाचा, ताया कोई भी हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वो एक क्लाइंट है, वो आपके पर्सनल रिलेटिव बाद में है। तो मेरे लिए आई थिंक पर्सनल नेटवर्किंग हैज हेल्प्ड अ लॉट। वाओ वाओ, हाँ मैं भी यही कहता हूँ कि नेटवर्क बिल्ड करना इज लाइक, नेटवर्क इज योर नेटवर्क बेसिकली। तो आप जितना ज्यादा नेटवर्क बिल्ड करेंगे आप उतना ज्यादा जल्दी ग्रो करेंगे, उतने ज्यादा लोग आपको जानेंगे और स्नोबॉल इफेक्ट बन जाता है। धीरे धीरे टाइम बाय टाइम आपको ज्यादा लोग जानने लग जाते हैं और क्लाइंट आना शुरू हो जाते हैं। तो या दैट्स अ गुड वे एज वेल। सो लाइक आपके गोल क्या है अगले 5 years के लिए इस चीज में? coaching business? I would want कि मेरा जो साल की income है, which is I think about 7 to 8 lakhs right now. I would want कि अगर मेरी monthly income बन जाए, I would wow. Work very hard for it. But अगर एक साल की income, एक महीने की income बन जाए, then what better than that? It's totally possible क्योंकि मैं भी Facebook से ही आया हूँ तो Facebook group में देखा है मैंने बहुत से लोग coaches मतलब कोचेस का मेन गोल तो वही होता है $10,000 पर मंथ एक वो ऐसा नंबर बना रखा है मैजिकल नंबर की हर किसी को यहाँ पे पहुंचना है तो आई थिंक ऐसा ही कुछ आपका भी है तो ऐसा पॉसिबल है टोटली हो जाएगा तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग कर लेते हैं अचीव कर लेते हैं थोड़ा टाइम लगता है बट दैट्स फाइन ओके एग्जैक्टली आई थिंक लाइक यू सेड टाइम एंड एफर्ट टाइम लगता है बट हो जाता है ठीक है तो एनी एडवाइस या फिर कुछ भी मतलब एडवाइस ऐसे लोगों के लिए जो आपकी तरह कोच बनना चाहते हैं और या फिर फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो वो क्या क्या कर सकते हैं कैसे शुरू कर सकते हैं एनी वर्ड ऑफ एडवाइस जो भी आप देना चाहें माय बेस्ट एडवाइस वुड बी दैट डोंट थिंक जस्ट स्टार्ट मतलब मेरी एक हैबिट हमेशा से रही है जैसे अगर अभी सपोज रात के 11 बजे और मुझे कोई आइडिया आया है या कोई मन में चीज आई है या मुझे ऐसा लगा है कि ये कॉन्टैक्ट मेरे ये बेनिफिशियल हो सकता है ऑफ कोर्स कंसिडरिंग द यू नो रिलेशनशिप बिटवीन दैट कॉन्टैक्ट मैं रात को 11 बजे भी मैसेज कर देती हूँ हाई आई एम सॉरी फॉर मैसेजिंग यू सो लेट बट यू नो आई वांटेड टू शेयर दिस एंड दिस क्योंकि मुझे पता है जब नेक्स्ट सुबह होगी मैं बिजी हो जाऊंगी एंड आई माइट स्लिप दैट थॉट तो मैं हमेशा एक ग्रुप अपने साथ बना के रखती हूँ मेरे दिल में जो भी आता है जस्ट सेंड अ वॉइस नोट टू माई सेल्फ ताकि मैं नेक्स्ट डे उठूं और मैं उसको 100 छोड़ती हूँ ताकि नेक्स्ट डे मैं उठूं तो मैं सुन लूं उसको एंड आई नो कि मुझे ये करना है एंड आई डोंट थिंक मतलब आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ फ्रीलांसर विद Zenler which is a company in London. उस टाइम पे भी जब मैंने उस कंपनी के लिए अप्लाई किया था रात को 9:30 बजे मैंने देखा था और 11:30 बजे मैंने अप्लाई कर दिया था तो जो भी लोग शुरू कर रहे हैं मेरी यही एडवाइस है डोंट वेट कि यू नो अगर मुझे 5 लोग मिल जाएंगे तो मैं इंस्टाग्राम चैनल बना लूंगा 1 क्लाइंट मिल जाएगा तो ये मैं कर लूंगा वो हो जाएगा वाली सिचुएशन आने ही नहीं वाली है तो जस्ट स्टार्ट जस्ट बी 1 स्टेप अहेड बहुत सारे लोग हैं जो आपसे हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे होंगे आपको सिर्फ एक टाइम पे एक सीढ़ी चढ़नी है और चढ़ जाओ सोचो मत तो माय एडवाइस इज कि मतलब डोंट थिंक मन में आया है बस कर दो और जब वो कर दोगे तो समझ आएगा कि वो कितना बेनिफिशियल रहा है ऑफ कोर्स जितना ग्रो करते जाओगे लाइफ में यू विल बिकम मोर मैच्योर आपके थॉट्स इंप्रूव हो जाएंगे पर स्टार्टिंग तो ऐसी ही होती है सोचो मत और कर दो दैट्स माय एडवाइस हाँ सेम लाइकवाइज की मतलब एज अ बिजनेस ओनर कॉन्स्टेंटली दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं कि ऐसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं टिप्स आते रहते हैं तो मैं भी तुरंत मतलब फोन उठाता हूँ नोट्स में लिख देता हूँ कि ताकि मैं भूल ना जाऊँ सबसे पहले लिखने का काम है लिख दो उसके बाद फिर टेंशन फ्री हो जाओ रिलैक्स हो जाओ कि हाँ वो कहीं नहीं जा रहा मैंने लिख लिया है तो एक तरीके से दिमाग भी क्लियर हो जाता है और जो आइडियाज होते हैं वो ऐसे रैंडम टाइम पे आ जाते हैं कि जब मतलब हम नहीं चाहते कि बिजनेस के बारे में सोचे तो आइडियाज कभी आ जाते हैं तो वो चीज हमेशा कॉन्स्टेंटली लिखना पड़ता है और ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हम दिमाग के भरोसे नहीं रह सकते अगले दिन हमें कुछ याद नहीं होगा तो तभी आई टोटली एग्री आपने जो बोला कि आइडियाज ऐसे टाइम पे आते हैं कि लगता है अरे अभी क्यों आ रहे हैं मुझे सिचुएशन से निकलने दो फिर आना आई थिंक आई टोटली रिलेट टू इट ओके सो थैंक यू सो मच मनमीत इस इंटरव्यू के लिए और इस इंटरव्यू का पार्ट बनने के लिए और चैनल पे अपीयर होने के लिए थैंक यू सो मच अगेन और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके लेट्स स्टे इन टच एंड डेफिनेटली थैंक यू सो मच थैंक यू वेलकम आई होप आप लोगों को ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा और ऐसे ही इंटरव्यूज़ देखने के लिए आप ये वाली प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं जिसमें मैंने और भी फ्रीलांसर्स के इंटरव्यू लिए हैं और बाकी चैनल से बने रहिए ऐसे और इंटरव्यूज़ आने वाले हैं मिलता हूँ आपसे सी यू बाय बाय